क्या सच में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस चाइनीज हैं? पारस ऑफिशियल के ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बाद में दो और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भी इसी तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। उनके नाम है GTX प्रीत और 420 गेमिंग। इन दोनों ने क्या बोला, अगर आप वो चीज जानना चाहते हैं तो लेंजिंग वीकली नाम के अरुणाचल प्रदेश के एक यूट्यूबर है जिन्होंने अपने आज ही सुबह के वीडियो में इस चीज को इंक्लूड किया है, तो मैं उनके वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, वो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस आर एक्चुअली चाइनीज, वो जापानीज नहीं हो सकते, कोरियंस नहीं हो सकते हैं, थाई नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज हैं। मैंने अपने कुछ पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में रखे थे, अगर आप वो देखना चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद में देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बिलो। आज वाले इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से कि लोग एक्चुअली में रेसिस्ट क्यों हैं, रेसिज्म क्यों करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, ये चीजें क्यों होती है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। तो प्लीज मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है उसी चीज के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। वैसे तो नॉर्मली मैं जो वीडियोस करता हूं वो होते हैं ऑनलाइन मनी मेकिंग रिलेटेड या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड। अगर आप लोगों को उन चीजों में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। अगर इस वाले वीडियो की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दिस इज डेफिनेटली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी कैसी सोच है, उस रीजन की वजह से मैं आज इस वीडियो के बारे में आप लोगों से कोई चीज शेयर करना चाहूंगा जो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें और अपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये देखो, वैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस जो रेसिज्म फेस करते हैं और हमेशा से फेस करते रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आजकल काफी ट्रेंडिंग भी है और हमेशा से एक्चुअली में रहा है, पर उसी के साथ साथ हमें डेफिनेटली ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ और भी ऐसी रेसिज्म वाली चीजें होती है, रीजनलिस्टिक चीजें होती है जो डेफिनेटली आम तौर पर कॉमनली हम लोग करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। अनइंटेंशनली हम ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिनका क्या मीनिंग होता है वो हमें पता भी नहीं होता है। और ऑनेस्टली बोलूं ना तो हो सकता है शायद मैंने भी कभी पास्ट में अनइंटेंशनली इन चीजों का उपयोग किया हो। चमार है क्या, भंगी जैसा दिख रहा है, जाट बुद्धि है तू, पैसा निकाल बनिए साले, चिंकी चाउमीन मोमोज हक्का नूडल्स भर चावल खाने वाले, इस तरीके के कुछ ऐसे रिमार्क हैं और ऐसे बहुत सारे रिमार्क्स हैं जो हम नॉर्मली कॉमनली आम भाषा में नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में बीच में निकालते रहते हैं। अब इनमें से काफी सारी चीजों का इतना डीपर मीनिंग और डीपर इंपैक्ट होता है कि हमको उस चीज का पता भी नहीं होता है, उसके काफी सारे रीजन है जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मेरा जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के लिए नहीं है, मेरा ये जो वीडियो है ये है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, रीजनलिज्म के अगेंस्ट। तो अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं या किसी भी भारत के दूसरे क्षेत्र से हैं, ये सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज पे जरूर गौर कीजिएगा, और अगर अनइंटेंशनली भी आपने जिंदगी में कभी ये चीज करी है, डू नॉट रिपीट दैट अगेन। और मैं वादा करता हूं कि मैं भी जिंदगी में उस चीज को कभी रिपीट नहीं करने वाला अगर मैंने ऐसा कभी किया है तो। अब आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे भाई इस वीडियो का पॉइंट क्या है, अवेयरनेस। अब चलो बात करते हैं कि रेसिज्म या फिर रीजनलिज्म के रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला रीजन इग्नोरेंस, हमको पता ही नहीं है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज करने से काफी नॉर्मल चीजें उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं वो करूंगा तो मैं काफी कूल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे बाकी दोस्त भी या मेरे बाकी जो पड़ोसी हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए मैंने भी कर लिया। दूसरा रीजन पीयर प्रेशर, दोस्त ने किया है पड़ोसी ने किया है तो मैं भी करूंगा, अगर उसने कोई ऐसा स्लैंग यूज किया है किसी को कुछ बोला है तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे उसको सपोर्ट करना है क्योंकि मुझे रहना तो उसी के साथ में। तीसरा रीजन एरोगेंस या फिर सुपीरियर वाली जो फीलिंग होती है वो, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा अकड़ है, बहुत ज्यादा ईगो है, आपको लगता है कि भाई मैं ही मैं हूं, मैं किसी को जो चाहूं वो बोल सकता हूं, सामने वाला मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये वाली फीलिंग जब होती है तो भी आप ये चीजें काफी कॉमनली करते हैं। चौथा रीजन इंपैक्ट, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके कुछ चीज बोलने से, आपको पता है कि आपने कुछ गलत बोला है पर आपको अंदाजा नहीं है कि उस गलत बोलने की वजह से सामने वाले को कैसा फील हुआ या सामने वाले ने क्या क्या झेला, उस चीज के बारे में आपको अंदाजा नहीं है। कौन आत्महत्या कर लेता है, किसको मेंटल टॉर्चर हो जाता है, कौन एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, आपको कुछ नहीं पता। नंबर पांच हेट्रेड, वो ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ रैंडमली ऐसे ही किसी को भी कुछ भी बोलना होता है, ये नॉर्मली होता है सोशल मीडिया में जहां पे आप फेक प्रोफाइल क्रिएट करके कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या फिर हो सकता है कि जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कूल यूट्यूबर्स हैं जो शायद लगता है कि भाई जस्ट बिकॉज आई हैव अ प्लेटफॉर्म मैं कुछ भी बोल सकता हूं एंड आई विल गेट आउट ऑफ इट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट मेरे हिसाब से नंबर सिक्स रीजन जो कि है पावर, ऐसे लोग जिनको लगता है कि मेरे पास में अभी कुछ हजारों या कुछ लाखों ऐसे लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, उनको मैं कुछ भी बोल दूंगा और क्योंकि मेरे पास में पावर है मैं तो कुछ भी बोल दूंगा और उसके बाद में मैं बड़ा कूल हो जाऊंगा, वो लोग मुझे और ज्यादा पसंद करने लगेंगे, या फिर हम कहीं ना कहीं फ्लो फ्लो में काफी चीजें बोल जाते हैं। तो पावर का रियलाइजेशन सही से नहीं होता है, वी हैव नो क्लू कि उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो भी चीज आप बोलते हैं उसका क्या होने वाला है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो पावर को यूज करना है
उसका अंदाजा नहीं है हमको। अब ये जो 6 रीजन है, इनमें से काफी बार ऐसा भी होता है कि मिक्स ऑफ रीजंस भी होते हैं, काफी बार पावर एरोगेंस मिक्स हो जाती है, या फिर काफी सारे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, या फिर काफी सारे ऐसे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होते रहते हैं जिसके रीजन की वजह से हम लोग कुछ भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। चलो ये सारी प्रॉब्लम्स तो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स। अब मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही सॉल्यूशन, इसके अलावा भी काफी सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर मैं अपनी समझ के हिसाब से कुछ चीजें बता रहा हूं। पहली चीज जो होगी वो ये होगा कि लॉ जो सब्जेक्ट है, दैट हैज टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। मैं ये नहीं बोलता कि मोटी मोटी काफी सारी लॉ की किताबें आप नॉर्मली स्कूल के बच्चों को पढ़ाई है ताकि वो लोग बोर हो जाएं, कुछ समझ ना पाएं, और जस्ट बिकॉज उनको एग्जाम क्लियर करना है वो कुछ भी रट्टा मार के या कुछ भी करके निकाल लेंगे। आपको स्टार्ट करना है कुछ बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉ से रिलेटेड हो। अगर लोगों को पता होगा कि कौन से क्राइम के क्या आपको पनिशमेंट्स या रिपरकशंस झेलने को मिलेंगे, तो वो चीज काफी अच्छी होती है अगर अर्ली एज से ही लोगों को पता है। तो इस रीजन की वजह से अगर वो एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड होता है, दैट विल बी रियली ग्रेट। दूसरी चीज, सिमिलर अटेम्प्ट शुड बी मेड उन लोगों के लिए जो शायद स्कूल में नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे अटेम्प्ट होने चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लो कहीं पे पब्लिक बैनर लगा हुआ है जहां पे किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है विच इज एक्चुअली लॉ रिलेटेड, मतलब क्राइम रिलेटेड, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई कौन कौन से क्राइम से क्या क्या पनिशमेंट मिल सकते हैं, ताकि वो उन चीजों में इंडल्ज ना करें। या ये बता दें आप कहीं ना कहीं इस तरीके के ऐसा कोई कैंपेन स्टार्ट करके कि अगर आप रेसिज्म करते हैं, इस तरीके की चीजें किसी को बोलते हैं या करते हैं, तो दैट इज अ क्राइम। तीसरी चीज, काफी स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा इंसान जो भोलेपन में या अनजानपन में कोई मिस्टेक कर देगा तो आप उसको भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दो। अगेन, आप उसको एक बार अपने खुद के पैरामीटर में असेस कर सकते हैं, अथॉरिटीज उस हिसाब से कर सकती है कि भाई किस इंसान ने क्या करा है। जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, बैकग्राउंड चेक है, जैसे कि फिलहाल पारस ऑफिशियल के साथ में हो रहा है, सारे सोशल मीडिया को अच्छे से जांचा जा रहा है, वो चीज करने के बाद में दे कैन डिसाइड कि भाई अब करना क्या है, छोटी सी वार्निंग देके छोड़ना है या फिर आगे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने, वो चीज डेफिनेटली ऑफिशियल डिसाइड कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये जो चीज है, कोई भी इंसान अगर करता है और अगर कहीं आप प्रूव कर सकते हैं कि इसने ये चीज बोली है, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। और चौथी चीज ना, जो मुझे बहुत ज्यादा खटकती है, वो ये है कि जो राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो नंगा ना चलता रहता है ना कई जगह पे, जहां पे मिस इंटरप्रेट करके लोग इसको मिस यूज करते हैं, मुझे उससे काफी प्रॉब्लम है। मुझे डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को राइट टू स्पीच होनी चाहिए, ऑफकोर्स दे शुड हैव इट, पर किस जगह पे कहां कितना बोलना है, कितना आपका राइट है, उसका ज्ञान किसी को है ही नहीं। ये चीज डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी अगर हमारे जो लॉ है उसको अगर हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करवाएंगे, अगर लोगों को उसकी समझ दिलवाएंगे, तो ऑफकोर्स उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पर हम लोगों को इतना सेंस होना चाहिए, पर हम लोगों को इतना जरूर समझना पड़ेगा कि कहीं पे भी कुछ भी बोल देना इज नॉट राइट टू स्पीच। और इसका ना बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये रहेगा कि कुछ भी चीज बोलने के पहले अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे ना, तो ये जो राइट टू स्पीच का जो आपका मिसयूज है ना, ये होगा ही नहीं। मतलब आप समझ लोगे कि भाई आपका दिमाग बता देगा, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर ब्रेन। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे आप ऐसी गलतियां करने से शायद बच सकते हैं। चलो ये सारे सॉल्यूशंस सीखे, पर मुझे क्या लगता है कि ऐसे इशू में क्या एक्चुअली में होना चाहिए, मतलब इस इशू में फिलहाल के लिए क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी कि जो पनिशमेंट पारस ऑफिशियल को मिल रहा है या मिलने वाला है, सेम पनिशमेंट GTX प्रीत, 420 गेमिंग या फिर ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के रिमार्क्स दिए हैं, उन लोगों को सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए नो मैटर व्हाट। और उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं बिलीव करता हूं कि जो पनिशमेंट है ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे नहीं पता क्या रीजन हो सकता है इनके ऐसे रिमार्क देने के पीछे, पर कंसिडरिंग कि मतलब हो सकता है कि शायद भोलेपन में किया हो, कुछ अंदाजा ही ना हो कि क्या बोल रहे हैं, फ्लो फ्लो में बोल दिया हो या बड़ा कूल दिखने के लिए बोल दिया हो, उस रीजन की वजह से एक बार बैकग्राउंड चेक हो सकता है। अगर ये इस तरीके की चीजें अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग इशू, पर अगर इस तरीके की चीजें उनको दिखती है कि भाई पहली बार दिखी है, तो हो सकता है कि शायद किसी फ्लो में बोल दिया गया हो, या हो सकता है किसी दूसरे के वर्ड्स हो जो सुने हो और उस टाइम पे ऐसे ही निकल गए हो, तो वो बैकग्राउंड चेक करने के बाद में दे कैन डिसाइड कि इसका जो एक्सट्रीम है पनिशमेंट का वो कितना होना चाहिए। पर उसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि YouTube ऑफिशियल्स जो हैं उनको भी इस मैटर में लुक इनटू करना चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दीज यूट्यूबर्स। अगर पॉसिबल होता है तो कुछ महीनों के लिए इन लोगों का यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड करने का जो फीचर है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता लगे कि भाई वीडियो अपलोड कर देना इज नॉट ओके, आपको क्या अपलोड करना है, क्या बोलना है उसमें, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो डेफिनेटली यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इन्होंने जो भी किया हुआ है उनके टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है कि यू कैनॉट डू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीच, एंड दे डिड इट। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जाके उन वीडियोज को रिपोर्ट करते हैं उन लोगों के, तो यूट्यूब
YouTube will definitely take action against it, और उन लोगों को स्ट्राइक मिलेगा, हो सकता है उनका चैनल भी चला जाए. तो इफ इन केस यू एक्चुअली वॉन्ट टू टेक सच एक्शन इन फ्यूचर, ऑफकोर्स यू कैन डू इट. YouTube इसमें लुक इन टू करेगा एंड दे विल टेक एक्शन. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में यही बात करना चाहता था. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा भी सेंसफुल बात कर रहा हूँ, जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा इफ इन केस यू हैव, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है. उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो लेना बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग.